वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर विद द टॉपिक वॉइस। वी विल डिस्कस वॉइस विद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड ऑल्सो स्पेशल केसेस ऑफ लेट। लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक। सी द फर्स्ट कंडीशन, सेंटेंसेस डिनोटिंग ऑर्डर। मतलब जिस इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा देने की बात हो या आदेश करने की बात हो, तो पहले इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ देखेंगे। फर्स्ट केस देखिए, सिट डाउन, कैसे उसका पैसिव बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। दूसरा देखिए, गो फ्रॉम हियर, इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हियर। मतलब ऑर्डर वाले जितने सेंटेंसेस होंगे उसको हम पैसिव फॉर्म बनाने वक्त यू आर ऑर्डर्ड से स्टार्ट करेंगे। कुछ और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस देख लीजिए जिसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हो। देखिए उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, यू आर ऑर्डर्ड जैसे सेम पहले किए वैसे ही रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो रहेगा। तो देखिए पहला एग्जांपल, क्लीन द फ्लोर, पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर। नेक्स्ट देखिए, डोंट टच द थिंग्स, यहाँ मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, देखिए उसको कैसे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द थिंग्स। तो इस तरह हम ऑर्डर वाले केसेस बनाते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ बिगिनिंग में यू आर ऑर्डर्ड लगा देना है और बाकी सारे पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो ऑलमोस्ट सेम रह जाएंगे। और रिमेंबर कि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, है ना, कभी कभी ये क्लियर नहीं होता है, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको फर्श साफ करने का आदेश दिया जाता है ना, या आपको फर्श साफ करने की आज्ञा दी जाती है। तो इस तरह के केसेस में हम यू आर ऑर्डर्ड लगाकर बनाते हैं। सी द नेक्स्ट केस हियर, सुझाव के केस में सेंटेंसेस डिनोटिंग सजेशन, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसे सजेशन का ज्ञात हो, तो कैसे बनाएंगे उसको, सब्जेक्ट फिर शुड बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और देन यू विल प्लेस द ऑब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, शट द डोर, तो इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, द डोर शुड बी शट। शट तीनों फॉर्म में शट ही होता है इसलिए मैंने शट लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, हेल्प द नीडी, पैसिव बनाएंगे, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, मतलब ज़रूरतमंद की सहायता की जानी चाहिए। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो तब आप कंडीशन टू का यूज करेंगे, मतलब सजेशन वाले पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। द नेक्स्ट कंडीशन, सेंटेंसेस डिनोटिंग एडवाइस, जब सलाह की बात हो, जब जिस इंपेरेटिव सेंटेंस से आपको सलाह का पता चलता हो, वैसे केसेस को कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड लगाएंगे, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव फॉर्म में टेक दीज मेडिसिंस, पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू टेक दीज मेडिसिंस, मतलब आपको ये दवाइयाँ लेने की सलाह दी जाती है। दूसरा देखिए, स्टडी हार्ड टू पास द टेस्ट, इसको भी उसी के तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू स्टडी हार्ड टू पास द टेस्ट। तो सलाह की जब बात हो तो हम यू आर एडवाइस लगाकर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सी द नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन फोर, प्रार्थना, सेंटेंसेस डिनोटिंग रिक्वेस्ट, जहाँ रिक्वेस्ट की बात हो उसके इसमें कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू बिगिनिंग में लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, प्लीज कॉल हिम हियर, तो उसका पैसिव बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम हियर। दूसरा देखिए, काइंडली लेंड मी सम मनी, पैसिव बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी,
है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ प्लीज़ लगा हो, या तो शुरू में लगा हो या मे बी एंड में लगा हो या काइंडली लगा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट डिनोट करते हैं। इस केस में हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर उनका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। सी कंडीशन नंबर 5, व्हेन इट्स नॉट रिवील्ड वेदर द सेंटेंस इज रिलेटेड टू एडवाइस सजेशन और ऑर्डर, है ना। कभी कभी आपको पता नहीं होता, आप समझ नहीं पाते हैं कि उसमें सजेशन की बात की गई है कि एडवाइस की बात की गई है तो कि ऑर्डर की बात की गई है। तो उसमें हम जनरल रूल फॉलो करते हैं, लेट लगाकर उस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। डू दिस वर्क, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट दिस वर्क बी डन। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग द टॉयज, कैसे बनाएंगे? लेट द टॉयज बी ब्रॉट, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन किया जा रहा है या एडवाइस किया जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लेट लगाकर पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेट दिस वर्क बी डन, यह काम किया जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस हो तो हम लेट लगाकर पैसिव बनाते हैं। नाउ सी दिस केस, कंडीशन 6, व्हेन अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बिगिंस विथ लेट, जब आपको एक्टिव वॉइस में ही लेट से शुरू हो सेंटेंस। जैसे देखिए, लेट अस वॉच दिस वीडियो, इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, जो जनरल रूल मैंने पहले भी शेयर किया है वीडियो में, वही रूल फॉलो होगा। लेट दिस वीडियो बी वॉच्ड बाय अस, या फिर इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, इट इज़ सजेस्टेड लगाकर हम बनाते हैं ऐसे केसेस को। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच द वीडियो। तो दो तरह से हम ऐसे केसेस को बना सकते हैं। तो आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सारे केसेस को डील किया, लेट वाले सेंटेंसेस को भी डील किया है, एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में। आई विल बी बैक विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन